समसामयिक घटनाओं के क्रम में यह वीडियो खेल संबंधी है। टेनिस, पहले जो है टेनिस, डेविस का फाइनल 2023 का आयोजन मलागा स्पेन में हुआ था नवंबर 2023 में। इसके विजेता इटली रहा, ये इसका दूसरा खिताब था। उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। ये जो है जो सूचना है या आंकड़े हैं हॉकी से संबंधित हैं। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। विजेता हॉकी पंजाब, उपविजेता हॉकी हरियाणा। 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप जो है ट्रॉफी 2023 की आयोजन रांची जो है झारखंड में हुआ। विजेता भारत, इसका दूसरा खिताब था। उपविजेता जापान रहा। सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 आयोजन जौहर मलेशिया में हुआ। विजेता जर्मनी, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा और कांस्य पदक मिला, और पाकिस्तान को पराजित करके भारत को कांस्य पदक मिला था। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष 2023, इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था। विजेता भारत, इसका चौथा खिताब था। उपविजेता मलेशिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मनदीप सिंह रहे भारत के। अच्छा, उसके जो है ये सूचनाएं जो हैं ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। 132वां डूरंड कप, वैसे भी आ जाते हैं डूरंड पर, किससे है, फुटबॉल से है, 2023। विजेता मोहन बागान सुपर जॉइंट, उपविजेता ईस्ट बंगाल एफसी रहा। फीफा महिला विश्व कप 2023, आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, ये दोनों जगह पर हुआ, और परिणाम इसका रहा विजेता, यानी कि इसका परिणाम विजेता कौन था, स्पेन की महिला, स्पेन महिला पहला खिताब, उपविजेता इंग्लैंड महिला। गोल्डन बॉल का पुरस्कार जो मिलता है सबसे खिलाड़ी को मिलता है, एटाना बोनमाटी स्पेन की, गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल के लिए दिया जाता है, हिनाता मियाजावा जापान की, इन्होंने 5 गोल किए। गोल्डन ग्लव सबसे गोल कीपर को दिया जाता है, मैरी ऑप्स को जो इंग्लैंड की हैं उनको दिया गया। अच्छा, अगला जो है ये 14वीं सैफ चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। विजेता भारत, इसका रिकॉर्ड 9वां खिताब है। उपविजेता इसमें कुवैत रहा। संतोष ट्रॉफी, वैसे भी आया था डूरंड कप, किससे है संतोष ट्रॉफी, किससे है, ये फुटबॉल से संबंधित है। विजेता कर्नाटक, ये 2022 देश की प्रतियोगिता थी, विजेता कर्नाटक रहा। उपविजेता मेघालय।